आगे आगे की बात यह है कि हमारी वजह से जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो सूर्या की पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे हाथों सूर्या के परिवार की मौत कुछ लोगों के लिए एक ऐसी गलती है और वही लोग उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। लेकिन प्रताप, हमारी पार्टी की सरकार बने या ना बने, हमें आनंदपुर की सीट जीतनी ही होगी और तब होगा जब भवानी यह चुनाव ना लड़ पाए, और वो तभी होगा जब हम उसे मार देंगे। ये गलत है प्रताप। नंदिनी, जिन मामलों की तुम्हें समझ नहीं, उन मामलों में चुप रहोगी तो बेहतर होगा। पहले तुमने अपने परिवार के लिए ये सब किया, फिर उसके बाद खुद को और अपने लोगों को सही ठहराने के नाम पर तुम किसका बदला ले रहे हो? तुम अपने आप को अपने किचन और घर तक सीमित रखोगी तो अच्छा होगा। ये मामला पूरे इलाके का, हमारे लाखों लोगों का, पूरे राज्य का है। ये मामला सिर्फ तुम्हारे राज्य का नहीं, मेरे घर का भी है। भवानी की आंखों में सच्चाई है, उसका तुम लोगों की लड़ाई से क्या लेना देना? प्रताप, क्या उसका कसूर ये है कि वो अपने पति का साथ दे रही है? तो फिर उन्हें सबसे पहले मुझे मार देना चाहिए। तुम्हें मारना है तो सूर्य को जाके मारो, भवानी को नहीं। ये सब लोग दिन भर यहाँ बैठ के तुम्हारे दिमाग में जहर भरते रहते हैं और तुम इन लोगों की बातों में आके अपने फैसले करते हो। नंदिनी, तुम्हें समझना चाहिए, प्रताप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हाँ माँ, बहुत सुन चुकी हूँ मैं ये जिम्मेदारी की बातें। तुम पर अगर लाखों लोगों की जिम्मेदारी है तो अपनी खुद की जिम्मेदारी का क्या? समझती हो इलेक्शन हारने का मतलब? समझती हो कि ये सब खत्म हो जाएगा? इतने सालों से खून पसीना बहाकर जो अपने लोगों के लिए एक मकाम हासिल किया, एक वजूद बनाया अपने लोगों का, सब खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा सब। ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगा। तुम्हारी, मेरे और हमारे लाखों लोगों के लिए नंदिनी, प्रताप रवि को ये इलेक्शन हर कीमत पर जीतना होगा। तो फिर कल इलेक्शन जीतने के लिए तुम मेरी और अपने बच्चे की जान का भी सौदा करोगे क्या?
मैंने भवानी को मारना कैंसिल करवा दिया। मुझे माफ कर दो। मुझे भी। हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? प्रताप, क्या हुआ? उन लोगों ने ओंकार चाचा को मार डाला। मेरी वजह से हुआ, ये मेरी वजह से हुआ। हो गया, तुम ठीक ही कह रहे थे। ये सब चीजें मेरी समझ के बाहर है। सच्चाई इतनी डरावनी है और हालात इतने मुश्किल कि जज्बातों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। यह दिल से लिया हुआ हर फैसला नुकसान ही पहुंचाएगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। प्रताप इतना गिर जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकता था। अगर आज मैं नहीं होता तो भाभी। जाएगा। हमें ये मौका देने के लिए, सभी ने तुझे थैंक्स बोलने के लिए मुझे यहां भेजा है। मुझे भी थैंक्स बोलने का एक मौका चाहिए। रक्त चरित्र न शत्रु न मित्र, ये शस्त्र रचे प्रतिशोध का चित्र। कैसा मौका? विजय भाव से पूछ खो है भाव इस रक्त को। कृष्णा को ये पता था कि सिर्फ प्रताप को मारने से कुछ नहीं होगा, बल्कि लोगों में प्रताप के लिए जो सोच थी उसे मारना जरूरी है। और अगर वो मुमकिन हुआ तो भी उसके लिए सूर्या को सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें सूर्या को एक राजनीतिक हथियार बनाने की जरूरत भी थी। नंदनी, तुम वो पीछे वाली गाड़ी में आओ। क्यों? तुम जानती हो कि वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते में बॉम्ब लगा सकते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम वो गाड़ी में। मैं तुम्हारी बीवी हूं और तुम्हारे साथ ही चलूंगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को मारा है और बहुत से लोग मेरी वजह से मरे, लेकिन तुम्हारी मौत मैं अपने सर पे लेने के लिए हर किस तैयार नहीं हूं। और अब तुम पे हमारे होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी भी है।